अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज जुम्मे का दिन था। सबसे पहले तो भी आप सब लोगों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अभी जो है ना शाम का टाइम हो रहा है और हम जो है ना इस वक्त बाहर आए क्योंकि आज सुबह से ना मौसम बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। हमने सोचा भी बाहर बैठते हैं। और अम्मी जी भी आज सुबह से आई हुई, तो अम्मी जी ना बच्चों को खिला रही है। सुहान तो सो रहा है बल्कि हानिया खेल रही है, क्योंकि बच्चे आपको पता है वो इतने दीवाने अपने दादा दादी के, इतने उनके साथ जो है ना रहते हैं, अटैच इतने ज़्यादा ना उनके कि मुझसे ज़्यादा ना वो उनके साथ खुश रहते हैं। तो वो ना अम्मी जी के पास बैठी है, आनिया खेल रही है, और मैंने सोचा अभी बाहर बैठी हूँ यहाँ पर ना मैं आपसे गपशप भी कर लूँ, साथ साथ थोड़ी वीडियो भी बना लूँ। और कुछ हमारे अभी कमेंट्स भी थे कि आपने ना गिफ्ट नहीं दिखाया। मैंने लास्ट वीडियो में ना गिफ्ट का जिक्र किया था कि हम जहाँ पे गए थे ना उन्होंने सिस्टर ने हमारी ना गिफ्ट दिए थे हमें, लेकिन ना हमने नहीं दिखाया क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी तो नहीं दिखा पाई। मैंने कहा आज जो है ना आप लोगों को गिफ्ट भी दिखा देते हैं, साथ में ना ये गिफ्ट थे जो कि कुछ बच्चों के थे, कुछ मेरे, कुछ फिरोज़ के, यानी सबके थे। तो साथ साथ ये भी हम आप लोगों से शेयर करेंगे और बाकी आप लोगों ने जी बता देना है कि कैसे लगे। तो सबसे पहले भी स्टार्ट कर लेते हैं हम बच्चों से। तो ये वाला जो पैकेट ना ये बच्चों का है, इसमें ना ड्रेसेस हैं सबके लिए। तो सबसे पहले भाई मैं आपको हानिया का ड्रेस दिखा देती हूँ। ये जी ड्रेस हानिया का बहुत ही खूबसूरत सा कपड़ा है। ये देखो ब्लॉन्ग का स्टफ है और ब्लैक साथ में रेड येलो बहुत सारे इस पर डिज़ाइन आ रहे हैं। तो हानिया का जब स्टिच जाएगा ना फ्रॉक बहुत खूबसूरत लगने वाला है। तो ये वाला था हानिया का जो कि हानिया को भी बहुत पसंद आया है और सिस्टर ने ना वाकई में बहुत अच्छी शॉपिंग की है। ये जी हमारे घर के सबसे छोटे फर्द का सुहान का, और ये देखेंगे सुरमई कलर है बहुत ही खूबसूरत सा। ये कॉटन में सारे कपड़े ना गर्मी के हिसाब से हैं तो ये कॉटन में है और वह हानिया का लोन में है। और साथ में जी ये दो और हैं, एक फिरोज का और एक मेरा। ये वाला जी फिरोज का और ये वाला मेरा है। तो आपको मैं भी खोल के दिखा देती हूँ। वैसे जेंट्स होता ही सिंपल है उनका, क्या बस जैसा बाहर से निकलता वैसे ही होता है, लेकिन ना फिर भी दिखा देते हैं। ये जी फिरोज का सूट, ये देखिए ये थोड़ा मतलब ब्लैक भी है, इसमें ब्राउन भी है। तो आप लोगों ने कमेंट करके बताना है ये कौन सा कलर है। मिक्स कलर है, दो तीन कलर ना। तो ये बहुत ही प्यारा स्टफ है। तो फिरोज ने भाई स्टिच करवाना है तो वो भी अपना करवा लेंगे, और वैसे वहाँ हानिया को भी स्टिच करवा दूंगी। मेरी सिस्टर ने ना जो है बहुत, ये मेरी सिस्टर ने ना एक बात लाजमी कही कि आप लोग ना जाते हैं इनको जल्दी से स्टिच करवाओ, ब्लॉग मुझे पहन के दिखाओ, क्योंकि ना वो हमारे ब्लॉग देखती हैं डेली। आज भी हमारा ब्लॉग देख रही होंगी ये वाला। तो वो कह रही थी कि आपने स्टिच करके हमें ना अपने ब्लॉग में कैरी करके दिखाना। तो इंशाल्लाह भी बहुत जल्दी हम इनको स्टिच करवा के ना आपको लाजमी दिखाएंगे। और साथ में था ये मेरा सूट लास्ट वाला। मेरा सूट माशाल्लाह बहुत प्यारा है, ज़बरदस्त है, स्टफ भी बहुत प्यारा है। सबसे पहले तो ये इसका दुपट्टा है गोल्डन लाइन वाला, और साथ में जी ये इसका सूट, वो जो आज का ट्रेंड है वह सेम शर्ट सेम शलवार। तो ये है जी सूट, ये देखें इतना प्यारा इसका डिज़ाइन है ना, इतना प्यारा स्टफ है। तो इंशाल्लाह जब ये स्टिच होगा ना तो बहुत प्यारा लगेगा, और साथ में इसका दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत सा है। ये देखें इतना प्यारा इसका दुपट्टा है ना। बच्चों के तो बाहर से स्टिच होंगे तो बच्चों को मैं भिजवा देती हूँ, बाकी मैंने अपनी दर्जन को देने तो वो इंशाल्लाह मैं फिर कभी दे आऊँगी। तो इसको जल्दी से पैक करते हैं और साथ में ना भाई अंदर चलते हैं। अंदर ना हमने कुछ लगाना था, कुछ टाइम पहले हमने आपको ना एक सिनरी दिखाई थी तो वो हमने अभी तक नहीं लगाई है, उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी तो वो हमने ये प्रॉब्लम हल कर ली है, लेकिन ना वो लगानी है तो चलते हैं उसको लगाते हैं और फिर गपशप करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे लगाने लगे हैं हमारी ये वाली पेंटिंग, और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। फबिया ये आला ही रबी कुमार तुकजी मान। तो हमने सोचा है ये लगाते हैं हम अपने हॉल में, और यहाँ पे भाई फिरोज खड़े हो गए, लगा ली है कि दो, हाँ दो के लग गए। और अभी जी ये लगानी है ऊपर, मैं मुझे भी लगना चढ़ना पड़ेगा, अकेले लग जाएगी, लगा लोगे ख्याल से लगाना। नाजुक चीज है ये, ना हो के कोई मसला बने। लग गई दोनों तरफ से, लग गई चले। और कितनी खूबसूरत लग रही है, हॉल में लगाई है हमने इस वॉल पे, जो कि फ्यूचर में हमारा इरादा है यहाँ पे सोफे आने का। तो जब सोफे आएंगे तो सोफों के ऊपर होगी, फिलहाल तो ये खाली वॉल है। तो हमने सोचा भाई यहीं हॉल में लगाते हैं, खूबसूरत भी लगेगी और हॉल में ना हर आए गए की नज़र पड़ेगी तो हर कोई पड़ेगा दुआ। हाँ जी, तो सही लग रही है ना, ये मेरी पसंद थी। घर में जो भी चीज़ लगती है किसी ना किसी की पसंद तो होती है, या वो
कहते हैं माँ लगनी चाहिए या मैं कहती हूँ, तो ये मैंने कहा था यहाँ पे लगनी चाहिए, तो आप लोगों ने बताना है कमेंट करके सही हमने लगाई या हमें किसी और वॉल के ऊपर सेट करनी चाहिए थी। बाकी अब यहाँ से ये स्टैंड उठाते हैं क्योंकि लग नहीं रही थी छोटी कुर्सी से, क्योंकि ऊंची हमने बहुत लगाई ना छोटी कुर्सी की मदद से लग नहीं रही थी, तो हम ये स्टैंड पूरा का पूरा ले किया है, तो अब इसको उठा के इसकी जगह पे रखते हैं। हमारे घर में इस वक्त खड़ी हुई है दो दो गाड़ियां, एक हमारी अपनी है ये तो आप जानते ही हैं, और ये वाली किसकी है असम ये ना फिरोज के दोस्त की है, जो कि कल कहीं पे जा रहा था और हमारा घर उसने पार्किंग के लिए ढूंढ लिया, कहता है मैं यहीं पे पार्क कर दूं, तो ये साथ गए थे किसी काम से, लेकिन कल से ये गाड़ी भी हमारे घर पे खड़ी है, और आज उसने लेने आना था वापस लेके जाने थे लेकिन वो कहीं पे मसरूफ है, तो फिरोज खुद जा रहे हैं गाड़ी उसके घर पे देने के, कहते मैं जाऊं और जाके दे आऊं, ये ना हो पराई गाड़ी का कोई नुकसान हो जाए। हाँ बस सही है, देखिए आ जाओ अभी बच्चे। हाँ वही तो जाहिर सी बात है नुकसान होता है, वो तो चलो हमारी अपनी उस पर एक स्क्रैच हो या सो खुद की तो होती है, लेकिन ये किसी और की है तो जाहिर सी बात है किसी का नुकसान तो हमने नहीं करवाना। तो जा रहे हैं अपने दोस्त को देने गाड़ी, कोई नहीं दूर घर बिल्कुल साथ ही है हमारे घर के ना पीछे वाली साइड पे उनका घर है, तो अभी दे के वापस आ जाएंगे। आराम से निकाल लो, आराम से, ये ना हो पराई गाड़ी कहीं ठोक ठुका दो। तो अभी मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ आलू पुलाव, जिसके लिए भी मैंने मसाला बना लिए, आलू डाल लिए हैं और आलू गलने की देर है, थोड़े से गल जाएंगे ना, तो फिर मैं इसमें पानी डालूंगी थोड़ा सा भून के। चावल भी मैंने भिगो के रख दिए थे यहाँ पे, ये देखें इनको भी काफ़ी देर होगी भिगो हुए, तो अभी थोड़ी सी देर में रेडी हो जाएंगे, और यहाँ अपने ये वेट कर रहे हैं, कहते हैं कब रेडी हों और मैं टेस्ट करूँ। सुबह जो तुमने मुझे दिया है क्या है, नाश्ता ही किया, नाश्ता किया था थोड़ा बहुत, बस अभी चावलों का वेट कर रहा हूं। मैंने भी नाश्ते किया था, मैं भी वेट कर रही हूँ, मैं कहती हूँ जल्दी उसे पका लूँ ना फिर खट्टे खाएंगे। देखें साथ में अम्मी जी भी आई हुई हैं, और मैंने सोचा था कि भाई ना सब के सब इकट्ठे बैठ के खाएंगे, तो वो अम्मी जी बच्चों को खिला रही है, मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी से पका लूँ, क्योंकि बच्चे ना पीछे चीख चीख कर ना अम्मी जी को तंग किए जा रहे हैं। किचन में होती हैं बच्चा, हाँ हमारे किचन में तो इतनी मक्खियाँ होती हैं, इतनी जितनी सफाई कर लो ना, सर सफाई भी ज़्यादा होती है, हाँ जिस दिन सफाई ज़्यादा हो उस दिन ज़्यादा मक्खियाँ होंगी, नॉर्मल सा किचन हो काम कर रहे हो उस दिन भी मक्खियाँ होंगी। कि आप लोगों के घर में भी ऐसी मक्खियाँ तंग करती है, हमारे यहाँ तो भाई बड़ा ही तंग किया हुआ है, सिर्फ किचन नहीं पूरे घर में ऐसी होती है, रूम्स हो गए हॉल हो गए ना सब में ऐसी होती है। अब बाकी रूम्स वगैरह में तो स्प्रे चले कर देते हैं हम कभी कभार, लेकिन किचन में स्प्रे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ खाने पीने का सामान होता है, बच्चों के दूध होते हैं, तो स्प्रे मैं नहीं करती हूँ, लेकिन फिर ना ये कि मक्खियाँ जाने छोड़ती हैं। अभी भी यहाँ पे ना छोटी छोटी ये देखें यहाँ पे आके बैठ रही है, और इस तरह से ना काफ़ी उड़ रही है घर पे भी है ना काफ़ी, अब क्या कर सकते हैं, बस भगाएंगे ऐसी। मैं क्या जुगाड़ करूँ, जितने जुगाड़ किए ना वो सारे वो मक्खियाँ जान नहीं छोड़ती हैं, मेरे फेल हो गए। हाँ चलो ये ना हो गपशप के चक्कर में मेरा मसाला जल गया, तो मैं जल्दी से मसाला भून लेती हूँ और जल्दी से पुलाव रेडी करती हूँ, आप जाए मम्मा से गपशप करें। चावल अभी दम पे दे दिए हैं, और दम पे दे के मैं आ चुकी हूँ बाहर, जो कि बाहर इतने मज़े की हवा चलने शुरू हो गई है ना, तो मैंने कभी बाहर बैठ जाते हैं, चावलों को वैसे ही 15 मिनट का दम आना है, तो बाहर बैठ गई फिर। अभी ना ऊपर की साइड पे बादल भी है और हवा भी है कि स्टार्ट हो चुकी है, तो बड़ा ही मज़े का मौसम बना हुआ है, और साथ में भाई शाहजहन यहाँ पे खेल रहे हैं, और सारी चीज़ें गिरा दी आपने। ऐसे खेल रहे काका, हाँ भाई चीज़ी खा के ना चीज़ी से थक गया, अब खेलने बैठ गया है, और भाई फिरोज यहाँ पे बैठे हैं, तबीयत ठीक नहीं है मेरी, समझ कुछ ज़्यादा लेजी कोई मेडिसिन ले लेते हैं डॉक्टर से, कोई अगर है मसला तो बुखार तो नहीं है कोई मसला, वैसे ही हुआ वैसे ही, कभी कभी बंदा हो जाता है। हाँ ये तो है कभी कभी बंदा हो जाता है, रात की थकावट भी आपकी नहीं उतरी होगी, देर से आए थे ना आप, वो भी ऐसे इसलिए भी हो जाता है जब देर से आओ फिर नींद पूरी ना आए ना, कोई मसला नहीं, खाना खा के आप रेस्ट कर लेना और बच्चों को मैं संभाल लूँगी, बच्चे वैसे भी सो जाएंगे रात होने वाली थोड़ी देर में, और वैसे भी अम्मी जी के साथ खेलते रहते हैं कोई मसला नहीं है इनका, तो हमारे साथ भी खेलते रहेंगे सो जाएंगे आराम से। और हानिया खेलने में लगी है, सोहान भी खेलने में लगा है, हम बैठे हैं, तो अभी जैसे ही दम खुलते हैं हम खाना खाते हैं और साथ साथ मौसम इंजॉय करते हैं, और आज के इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों ने कमेंट करके लाजमी बताना है कि आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगा है, वो जो गिफ्ट्स मिले थे वो कैसे लगे, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अभी खाना लग गया हमारा, फटाफट खाते हैं, बच्चे भी हमारे खाना खा रहे हैं माशाल्लाह। सोहान बेटा आप आ जाओ, ये आपकी प्लेट है सोहान, नहीं, थोड़ी वो आपकी मम्मा की प्लेट है और ये मेरी प्लेट है।